हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में और समाप्त हुआ था 1526 में। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 डायनेस्टी ने राज किया था। पहला था इलवरी डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। वो 1206 में दिल्ली के सुल्तान बने। भारत के सबसे पहले मस्जिद कुवत उल इस्लाम जो कि दिल्ली में है और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के मेमोरी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू की थी। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान बने। इल्तुतमिश को फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग कहा जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट की थी। इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्ताना 1237 में दिल्ली की सुल्तान बनी। रजिया सुल्ताना मेडिविल इंडिया की पहली और आखिरी लेडी मुस्लिम रूलर थी। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी चेहरा और डाक सिस्टम मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदरी आजम खिताब एडॉप्ट किया था और आमिर खुसरो को तूती ई हिंद किताब दिया था। 1320 में गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी। वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन का काम स्टार्ट किया था। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान बने। फेमस ट्रेवलर इबन बतूता जिन्होंने सफ़रनामा रहला लिखा है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही भारत आए थे। 1351 में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के सुल्तान। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे कैनाल्स बनवाया था। 1414 में खिजर खान ने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी। 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी डायनेस्टी की स्थापना की थी। लोदी डायनेस्टी पहली ऐसी रूलिंग फैमिली थी जो अफगान थे। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी दिल्ली के सुल्तान बने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी 1517 में दिल्ली के सुल्तान बने। 1526 में बाबर के खिलाफ पानीपत की पहली लड़ाई में हार के साथ ही दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई।